है, सिखाया हुआ भी है, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, देखिए पत्र लिखते हैं उसमें अपने को किस तरीके से लिखना चाहिए कि अगला पत्र प्रभावित हो, अपनी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, भाषा शैली भी अच्छी होनी चाहिए, तरीका उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट में सही क्या नाम है, समृद्धि, अनम्यूट करिए बेटा, समृद्धि मैम, एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम पत्र लेखन किसमें आएगा? पत्र और अनुच्छेद टर्म वन होगा आपका, लास्ट क्या मैं भी उसका एग्जाम तो ही गया ना, अभी मैं आपको करवा रही हूँ, वो देख लो आप, किसी को कोई दिक्कत हो वो मैसेज कर देगा। ठीक है, तो पत्र लेखन क्या है, एक कला है, पत्र को प्रभावशाली तथा आकर्षक बनाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है। कौन कौन सी बातें हैं वो, एक तो सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, पत्र लिखते टाइम कभी भी उसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, कुछ हार्ड वर्ड्स इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, सीधे सीधे सरल शब्दों में पत्र लिखना चाहिए। और जहां तक हो सके, दूसरा पॉइंट देखिए, जहां तक हो सके कम से कम शब्दों में अपनी बात कही जाए तो अगले को अच्छे से समझ में आएगी, छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए, पत्र लिखने वाले का पता दिनांक लिखना आवश्यक होता है, पत्र लिखने अपन जो पत्र लिखते हैं वो पता भी लिखना चाहिए और दिनांक भी होना चाहिए। पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, आवेदक और व्यवसायिक। व्यक्तिगत पत्र होते हैं जो सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, आवेदन पत्र होते हैं जो अपन ऑफिस वगैरह में काम में लेते हैं, स्कूल में लिखते हैं या छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी को लिखते हैं, जैसे जो नौकरी, छुट्टी, सहायता एवं अन्य की मांग के लिए लिखे जाते हैं वो आवेदन पत्र होते हैं, वो प्रार्थना पत्र माने जाते हैं। फिर व्यवसायिक पत्र, एक पत्र होता है जो अपन बिजनेस में लिखा जाता है, व्यवसाय में काम में लिया जाता है, जो किसी व्यवसाय या कामकाज के संबंध में लिखे जाते हैं। तो अलग अलग पत्रों को लिखते समय क्या क्या अभिवादन होना चाहिए, छोटों को लिखते हैं तो क्या अभिवादन होना चाहिए, बड़ों को लिखते हैं तो क्या अभिवादन होना चाहिए, वो संबोधन और निवेदन ये सब प्रयुक्त किए जाते हैं जो आपके चार्ट में दिए गए हैं। जो पर्सनल पत्र होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं, देखिए क्या अपने बड़ों को, बड़ों के लिए क्या क्या संबोधन आता है, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, परम पूज्य, पूज्य, ये जब हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो ये संबोधन लिखा जाता है। और संबंध होते हैं जो ये दे रखे हैं कि किन किन के संबंध में लिखा जाता है, ये माता पिता को लिखते हैं, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, जो भी अपने से बड़े हैं उनको जब पत्र लिखा जाता है तो संबोधन में क्या क्या आता है, पूजनीय, आदरणीय, श्रद्धेय, परम पूज्य और पूज्य। फिर जब अभिवादन करते हैं, जो लास्ट में अभिवादन सूचक अपन शब्द लिखते हैं पत्र खत्म होने के बाद में, दिनांक वगैरह लिख देते हैं उसके बाद में, जो अपन शुरू करते हैं अपनी बात को कहना तो उससे पहले लिखा जाता है सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, अभी बोर्ड पे और समझा दूंगी, और नमस्कार। फिर पत्र के अंत में लिखा जाता है आपका प्रिय, स्नेहा आकांक्षी, आपका स्नेही, ऐसे लास्ट में अपना नाम भी बताकर लिख सकते हैं। वो जब अपने से छोटों को लिखते हैं तो संबोधन क्या क्या देते हैं, प्रिय, स्नेही, प्रियवर या नाम भी लिख सकते हैं, इनके साथ में नाम भी लिख सकते हैं, प्रिय कुछ भी, जैसे आप अपने छोटों को लिख रहे हैं, छोटा भाई, छोटी बहन, पुत्र, भतीजा, भांजा, पोत्र, शिष्य आदि को जब पत्र लिखते हैं तो संबोधन प्रिय, स्नेही, प्रियवर यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं। फिर अभिवादन, सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो, अब छोटों को ये थोड़ी लिखोगे आप साधारण चरण स्पर्श लिखोगे क्या, नहीं, उनके लिए अलग से अभिवादन शब्द होते हैं, शुभ आशीष, आशीष, चिरंजीव, इस तरीके से अभिवादन होता है छोटों के लिए।
फिर तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभांशी, हितेशी, ये पत्र के अंत में लिखते हैं। और जब अपने अपने बराबर वालों को पत्र लिखा जाता है तो उसमें प्रिय और नाम लिख देते हैं प्रिय के साथ में, ठीक है, मित्रवर। फिर संबंध में लिख, मित्र हो गया, सखा हो गया, साथ पढ़ने वाला हो गया, सहपाठी। अभिवादन, अभिवादन शब्द जो लिखेंगे वो सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्ते, मधुर स्मृति। फिर लास्ट में जब लिखेंगे तो तुम्हारा अभिन्न मित्र, सदा तुम्हारा, फिर अपना नाम। इसके बाद में जब आवेदक पत्र, आवेदन पत्र जो आता है, जैसे आप लोगों से हम कई बार लिखवा लेते हैं, प्रधानाध्यापक को पत्र लिखो, या किसी और जैसे नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखवा लेते हैं, नगर निगम वालों को पत्र लिखवा लेते हैं सफाई के लिए, तो उसमें क्या आता है, शुरू में माननीय या माननीया, जब लेडीज होती है तो माननीया आता है, और महोदय, महोदया, ठीक है। माननीय और महोदय तो आता है पुरुष के लिए, और माननीय और महोदया आता है स्त्री के लिए, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप क्या लिखोगे, माननीय या महोदया, ठीक है, महोदय नहीं लिख सकते हो आप, महोदया होता है। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, अपने प्रधानाचार्या है, मालवीय कॉन्वेंट स्कूल में कौन है प्रधानाचार्या, प्रिंसिपल मैम है ना, तो उसके लिए क्या आएगा, प्रधानाचार्या, प्रधानाचार्य नहीं लिख सकते हो आप, ठीक है। यदि किसी पुस्तकालय अध्यक्ष को लिख रहे हो तो पुस्तकालय अध्यक्ष, यदि लेडी है तो पुस्तकालय अध्यक्षा, ठीक है, लिख सकते हो आप इसके आगे। फिर आगे नीचे लिखोगे आप आपका आज्ञाकारी शिष्य, और यदि कोई लड़की है तो लिखोगे शिष्या, ठीक है। आपकी मात्रा लगा लीजिए यहाँ, डैश लगा के शिष्य के आगे ओब्लिक लगा के शिष्या लिख सकते हो। फिर अपना नाम, कक्षा, वर्ग, फिर है व्यवसायी पत्र, जो तो बिजनेस में लोग काम में लेते हैं, जैसे पुस्तक विक्रेता, इसमें श्रीमान, महोदय, मान्यवर, ये सब संबोधन आ जाएगा। ये पत्र लिखे जाते हैं पुस्तक विक्रेता, निदेशक आकाशवाणी, निर्देश निदेशक दूरदर्शन, समाचार पत्र संपादन को लिखा जाता है, स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाता है, पुलिस आयुक्त को लिखा जाता है, ये है व्यवसायिक पत्र। और इसके लास्ट में आता है भवदीये और या भवदिया, यदि जेंट्स पुरुष है तो भवदीये लिखोगे, यदि लड़की है तो भवदिया लिखोगे, ठीक है। जैसे आप में से कोई गर्ल है तो भवदिया लिखोगे, और लड़का क्या लिखेंगे, भवदीये, ठीक है, और शिष्य और शिष्या, ठीक है। इस तरीके से चार तीन प्रकार के पत्र हैं, व्यक्तिगत, आवेदक, आवेदन और व्यावसायिक पत्र, ठीक है। अब इसमें देखिए, किसी अच्छे पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। पहले तो संबोधन लिखोगे, अब देखिए कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ये प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए आपने पत्र लिखा है, तो इसमें प्रधानाचार्य के लिए सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य। अब आपके क्या है, मैडम है, मैम है, तो आप क्या लिखोगे, सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य, क्या लिखोगे यहाँ पे चेंज करके, श्रीमती प्रधानाचार्य। इस स्कूल की जगह आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे, मालवीय कॉन्वेंट स्कूल, मालवीय नगर, जयपुर, ठीक है। फिर आज की डेट लिखोगे, और फिर ये अवकाश के लिए पत्र, विषय लिखोगे, दिनांक लिखोगे, फिर मान्यवर जो संबोधन है वो आ जाएगा। इसके बाद में आप अपनी बात कहोगे, किस हिसाब से बात कहते हो, आपका खुद का तरीका होता है वो लिखने का, ठीक है। फिर लास्ट में आपके आज्ञाकारी शिष्य, यदि लड़की हुई तो क्या लिखोगे, शिष्या, समझ गए। इसके बाद में अपना नाम, कक्षा, वर्ग, तो ये आप, आपको ये आज एक आपको कॉपी में लिखना है, एक
लेकिन इसमें आप चेंज करके लिखोगे, यूं कि यूं मुझे लिखा हुआ नहीं मिलना चाहिए। क्या चेंज करोगे? अपने स्कूल का नाम चेंज होगा, प्रधानाचार्य की जगह क्या होगा, श्रीमान की जगह क्या होगा, श्रीमान की जगह श्रीमती और प्रधानाचार्य की जगह प्रधानाचार्य या की मात्रा लगा दोगे। बोर्ड पे समझाऊं, लिख के बताऊं, वीडियो ऑन नहीं है दो चार बच्चों के अलावा, फिर क्या क्या रहे हो आप, क्लास में चले ही जाओ ना बाहर। मैं बाहर कर रही हूँ सभी को, 15 सेकंड के अंदर अंदर अपना वीडियो ऑन कर लो। अब जिनका वीडियो ऑन नहीं है मैं उनको बाहर कर रही हूँ, क्या जरूरत है आपको क्लास में रहने की, क्योंकि मैं कोई काम की चीज तो पढ़ा नहीं रही हूँ, आपको मतलब क्या है फिर क्लास में रहने का। ये आदित्य गंगवानी, अर्पित मीणा, टीनी श्रीमाल, चारू, दिव्या, हरजीत, हर्षिता, जय मीणा, कुशाल, यस अर्पित मीणा जाओ बेटा बाहर, ठीक है। डिंपल एलानी, क्या दिक्कत है आपके डिंपल? इशिका मीणा, आपकी क्या दिक्कत हो गई? अब सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, और फालतू कोई बच्चा बीच में बोला ना तो अच्छी बात नहीं होगी। तो बताइए मुझे, श्रीमान की जगह आपको क्या लिखना है? श्रीमती। श्रीमती, मती में तह के बड़ी की मात्रा आएगी, ध्यान रखना छोटी की मत लगाना, ठीक है। और प्रधानाचार्य की जगह? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य लिखोगे। स्कूल के नाम की जगह क्या लिखोगे? मालवीय कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है। एड्रेस और डेट आज की चेंज करके लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में विषय, इसके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, डेट आज की लिखनी है क्या? डेट आज की ही लिखनी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे आज तो अवकाश की लिख लीजिए आप, ठीक है मैम। 20 सितंबर लिख दे क्या? 14 आज, हाँ तो 20 लिख देंगे सितंबर की डेट में होनी चाहिए। और दो दूंगी आज, एक ही नहीं, तो क्या डेट लिखे मैम? आज की डेट लिखनी है मैम। अनुच्छेद कौन सा है? एक आप लिख लीजिए, पुस्तक खो जाने पर प्रार्थना पत्र, और इसमें भी चेंज करके लिखोगे, यूं कि यूं नहीं उतारोगे आप, समझ के। पुस्तकालय अध्यक्ष की जगह क्या लिखोगे? पुस्तकालय अध्यक्ष रहने देना, ठीक है। फिर उसके बाद में अपनी स्कूल का नाम लिखोगे, दिनांक लिखोगे, एड्रेस स्कूल का ही लिखोगे, ठीक है। महोदय, यदि आपने यहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष कर दिया तो महोदय आ जाएगा, आप अध्यक्ष ही रहने देना तो महोदय ही रह जाएगा, ठीक है। और लड़की क्या लिखेगी, शिष्य या शिष्या? शिष्या। शिष्या। एमोर कौन सा लिखना है? पहला और तीसरा, लेकिन चेंज होना चाहिए, किताब की कॉपी कोई नहीं करेगा, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? पहला और तीसरा। थैंक यू, ओके मैम, ठीक है। तो प्रार्थना पत्र दो तो बता चुकी हूँ, और मंडे को मेरा पीरियड है आपके, ट्यूजडे को, सॉरी मैम। ये जो पुस्तक हो जाने पे जो पत्र है, इसमें भी दिनांक आज का ही लिखे क्या? आज का ही लिखोगे? नहीं, कल का। जैसे आप आज लिख रहे हो तो आज का लिखोगे, कल लिख रहे हो तो कल का लिखोगे, होमवर्क आज का है तो आज की ही डेट लिखोगे, आपको आज ही करना है, ओके मैम। इसके बाद में ओके मैम, और क्या लिखना है? अब आप आइए अभ्यास कार्य में, ये तो दो आपकी कॉपी में आपको इसका सारा कंटेंट मिल जाएगा,
पत्र कौन पेज नंबर, पेज नंबर 114। ओके मैम। ये जो थर्ड नंबर है बिजली आपूर्ति विभाग के नाम बार बार बिजली जाने पर शिकायत पत्र लिखिए, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल दोगे शिकायती पत्र, शिकायती पत्र तीसरा वाला। मोर तो इसमें आप संबोधन में क्या लिखोगे? क्या लिखोगे संबोधन में? श्रीमान लिख दोगे या महोदय लिख दोगे, मान्यवर लिख दोगे? मान्यवर। फिर बस एक ही लिखना है क्या? अनुच्छेद भी दे दो, एक दस लिखने हैं क्या? अनुच्छेद बता रही हूँ, अनुच्छेद निकालिए पेज नंबर 115 पे। अनुच्छेद क्या होता है? ओके। जो निबंध होता है, निबंध थोड़ा बड़ा होता है और निबंध का ही विशाल, म्यूट हो जाओ, निबंध का ही छोटा सा पार्ट होता है। ओके। निबंध का छोटा रूप होता है अनुच्छेद, और देखिए अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है। अनुच्छेद लेखन का अर्थ होता है किसी विषय से संबंधित विचारों एवं भावों को सीमित शब्दों में प्रकट करना। क्या होता है? कोई विषय है उसके संबंधित, उसके संबंध में जो भी विचार है उसको शॉर्ट में और कम शब्दों में प्रकट करना। और अनुच्छेद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देख लीजिए। संपूर्ण विषय को एक ही अनुच्छेद में लिखना चाहिए, एक ही पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। जितना भी आप लिख रहे हो वो एक ही पैराग्राफ में लिखोगे। विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार मीन्स जितनी बातें जरूरी होती है वो ही लिखना। जीवन में तो क्या है अपन बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद में सार गर्भित बातें लिखते हैं। और छोटी छोटी वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आने वाली चाहिए, सुबोध अच्छे से जान समझ आना। Yes, ma'am. यदि अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए हो तो पहले उन बिंदुओं को समझना चाहिए। बिंदु वाइज नहीं लिखते हैं अनुच्छेद, वो बिंदु जो आपको पॉइंट्स दिए होते हैं, पॉइंट्स दिए होते हैं अनुच्छेद में, तो पहले उन अनुच्छेद की पॉइंट्स को समझ लो, फिर उसके आधार पर पूरा अनुच्छेद लिखोगे। पॉइंट्स पे नहीं लिखते अनुच्छेद, ठीक है, पूरा एक अनुच्छेद लिखोगे बिंदुओं को समझने के बाद में। विषय से संबंधित सभी बिंदुओं को समझ गए? अनुच्छेद क्या होता है? निबंध का छोटा रूप होता है, भाषा सार गर्भित होनी चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से अनुच्छेद आपको लिखने हैं। आपको चार नंबर का है, मोबाइल फोन छात्रों के लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त, सही है या गलत, उपयुक्त या अनुपयुक्त, सही या गलत लिख लीजिए यहाँ ऊपर, नहीं समझ आए तो, ठीक है। मम्मी कॉपी में करना है, कॉपी में करना है मैं, मतलब तीन करने कॉपी में, मैं मतलब कॉपी करने है कॉपी में करने वाला है। कौन सा वाला? मोबाइल फोन, ठीक है मैम। मैं मतलब तीन करने अनुच्छेद बता रही हूँ मैं, तसली रखू। ओके मैम। हाँ फिर है एक ही लिखे टैलेंट, जो टैलेंट है जो प्रतिभा खोज कार्यक्रम होते हैं स्कूल में, उसमें छात्र, ये रहन दो अभी, ये बाद में दे दूंगी। अभी आप लिखिए मेरी पहली विमान यात्रा। आपको भी एक्सरसाइज में से दे रही हूँ मैं, ठीक है।
जो आपको खुद से लिखनी है, कैसे भी लिखो कहीं से भी लिखो मुझे। मैम ये मोबाइल फोन वाला भी तो लिखना है ना कॉपी में। मैं लिखी राष्ट्रभाषा हिंदी, पेज नंबर 117 पे देखिए, समझ के, राष्ट्रभाषा हिंदी। यस मैम। हिंदी हमारी मैम। पत्र दूसरा वाला लिखना है और एक वो पिछली वाला लिखना है पत्र। हाँ तीन पत्र मैंने तीन बताए, फिर से देख लीजिए मैम पत्र एक बार बताना वापस। तीन कौन से? पहला, तीसरा और एक एक्सरसाइज में से दिया है तीसरा। पहला ओके मैम। मैम फर्स्ट थर्ड और एक्सरसाइज का एक। हाँ मैम मैं सेकंड में दो। ओके मैम कब तक करके सबमिट करना है आपको? और मैम अनुच्छेद लेखन का ग्रामर का एक बार मैं सोच दो है मैम। अनुच्छेद लेखन में अनुच्छेद लेखन का एक बार रिपीट कर दीजिए क्या करना है कॉपी में। चौथा और चौथे नंबर का और सिक्स नंबर का। सिक्स नंबर का नहीं करना, करना है सिक्स नंबर का। टैलेंट हट प्रतिभा खोज। एक मिनट आज आप इतना ही कर लो। चौथा नंबर हो गया और एक है आपका अनुच्छेद, इसपे जो एक्सरसाइज में है पेज नंबर 117 में नीचे नीचे चौथे नंबर का एक और है। हम छठा वाला नहीं करना ना? नहीं छठा वाला नहीं करना। तो ही अनुच्छेद करने हैं, ठीक है? हाँ ओके। हम स्टोरी राइटिंग क्या? स्टोरी राइटिंग अभी आपके जो मैंने टम्बन में दिया है पत्र अनुच्छेद है, ठीक है, और शब्द भंडार है, स्टोरी निबंध। शब्द भंडार कौन से आ रहे हैं इसमें? शब्द भंडार में मैंने टिक लगवा दिया था आपको। यस मैम कर लिया मैंने। मैम शब्द भंडार में कुछ आंसर भी करने हैं। शब्द भंडार में मैंने बता दिया आपको, टिक लगाया, फिर से रिपीट करूँ क्या? नो मैम। यस मैम एक बार कर दो। मैम पता है मैम। मैम कर दो उनकी तक। मैम रिपीट कर दो। मैम मुझे रिपीट कर दो। ओके एक बार और देख लीजिए। शब्द भंडार पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 निकाल लिया सभी ने, ठीक है? इसमें है पर्यायवाची शब्द में इच्छा से लेके विष्णु तक, ठीक है? इसके बाद में जो न्यू स्टूडेंट है वो भी देख लेना। इसके बाद में है विलोम शब्द में कठोर से लेके आदि तक, ठीक है? विलोम शब्द पेज नंबर 42, कठोर से लेके आदि तक, ठीक है? इसके बाद में अनेकार्थी शब्द घाट से लेके अर्थ तक। बाद में समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, ये है ऐसा एक से लेके पूरे करवाए 20 तक, ठीक है? ये 20 तक करवाए हैं। उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द में एक से लेके 22 तक, एक से लेके 22 तक करने हैं आपको। फिर है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द है एक से लेके 10 तक, ठीक है? इसकी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। और संज्ञा मैंने करवाई दिया है, संज्ञा करवा दी ना मैम? ये सब कॉपी में भी करना है क्या? एक मिनट, संज्ञा वाला चैप्टर करवा दिया है ना मैंने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक्सरसाइज करवा दी? नो मैम। मैम करवा दी मैम, जब शब्द भंडार वाले मार्क कराए थे ना तब आपने ना संज्ञा भी करा दिए थे। एक्सरसाइज नहीं कराई बाकी मैम आपने अभी। अभी देख लो एक्सरसाइज, 11 बजे तक क्लास ले लेती हूँ, 15 मिनट की क्लास हो रही है, ठीक है? एक्सरसाइज देख लीजिए। यस मैम। जैसे कॉपी में लिखने के शब्द भंडार,
हाँ कॉपी में लिखने हैं शब्द भंडार, पत्र, अनुच्छेद सब। ओके मैम, पूरा काम मुझे कंप्लीट करके चाहिए। मैं संडे तक मंगवा लूंगी आप लोगों की कॉपियाँ व्याकरण की। मैं मंगवा लेना। मैम आज शब्द भंडार के क्वेश्चन आंसर भी करने हैं क्या? मैम शब्द भंडार के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करने हैं? नहीं। अब इसमें देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण से ही तो आपको बताना है। संज्ञा के भेद के नाम लिखना है। यदि किसी ने नोट्स बना लिए हैं तो ये वाले प्रश्न उत्तर मत करना, वरना आपको ये पांचों प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं। yes, किसी ने नोट्स बना लिया है तो मत करना, वरना सारे ये पांचों मैंने बना लिए नोट्स। मैम क्या करना है? मैम जो जो आप चैप्टर करा चुके हो वो एक बार टिक करा दीजिए। हाँ मैम वो टिक करा दीजिए। इसमें टिक कर लीजिए, आपको करना है। दूसरा देखिए, हाँ और नहीं में उत्तर देना है। क्या किसी वस्तु को समूह है वाचक संज्ञा कहते हैं? किसी वस्तु को समूह वाचक संज्ञा कहते हैं? नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, संज्ञा के भेद। मैम बोलो। जो जो चैप्टर आप करा चुके हैं मैम वो टिक करा दीजिए। मैम मैंने कर लिया। यस मैम टिक करा दीजिए जो आपने अभी तक कराया चैप्टर। मैंने सारे चैप्टर करवा दिए संधि को छोड़ के इसमें यहाँ। यस मैम मैंने कर लिए। और मैं अभी बता देती हूँ, ये प्रश्न उत्तर कर ले पहले। क्या किसी वस्तु को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं? नो, नहीं लिखो। क्या हाथी चूहा मात्रा है प्राणीवाचक संज्ञा है? नहीं नहीं नहीं। द्रव्य वाचक संज्ञा गणनीय नहीं होती। पेज नंबर बताओ। 52। ओके हम रिपीट करो। हो रहे थे क्या? नो मैम। देखिए हाँ और ना पेज नंबर नहीं पता था। अरे बोल ही दो ना यार, लिखोगे। प्रश्न नंबर दो का एक में क्या आएगा? नहीं। दूसरे में? नहीं। तीसरे में? नहीं। गणनीय नहीं होती है, गिन नहीं सकते द्रव्य वाचक। नहीं तो ये सही है। कि हम गिन नहीं सकते द्रव्य वाचक संज्ञा। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है कि नहीं? मैम होता है। होता है। बोर्ड तो वाले में आएगा। हाँ हम पोर्ट वाले में क्या आएगा? हाँ नहीं नहीं। हाँ क्या संज्ञा के तीन प्रमुख भेद होते हैं? नहीं नहीं। प्रमुख भेद तीन ही तो होते हैं, व्यक्तिवाचक, जनवाचक, महावाचक। यस मैम। फिर पोस्टर में दिए गए शब्दों से उचित महावाचक संज्ञाएं बनाकर लिखती हैं। ओके मैम। पानी का क्या है? बहना। भाववाचक संज्ञा लिखनी है। बहना का क्या हो जाएगा? बहाव। बहना का बहाव। राधा ने परीक्षा की तैयारी अपने बड़े भाई के नेता से लिखना है। नेता में की थी, क्या आएगा नेता का? नेतृत्व है। नेतृत्व है। भाववाचक संज्ञा बनाना है। दूध में कुछ। खट्टा का क्या बनेगा? मैसेज करो, देखिए खट्टा का क्या बनेगा? खट्टा का क्या बनेगा? खट्टा का खटास। सही है, ठीक है। इसके बाद में पूर्णिमा की रात को ताजमहल की सुंदर से बनाना है भाववाचक। सुंदर से क्या बनेगा जल्दी बताइए मैसेज करके? सुंदरता। उसकी बहुत सुंदर है, लिख से भाववाचक संज्ञा। लिख से
ओके रौनक बिल्कुल सही है लिखावट। आप लोगों की लिसन भी मैं समझ लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद में है निम्नलिखित शब्दों के सामने उसका संज्ञा भेद लिखना है, संज्ञा का भेद लिखना है, कौन सी संज्ञा में आता है, पानी कौन सी संज्ञा में आता है, चौथा नंबर पानी कौन सी में आता है, द्रव्यवाचक, मोर कौन से में आता है, अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को लेकिन एक साथ मत बोलना, मोर कौन से में आता है जल्दी, जातिवाचक में आता है, व्यक्तिवाचक में आता है, जातिवाचक और संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जातिवाचक में आएगा। हस्ती भाववाचक, भाववाचक चतुराई मैम, भाववाचक फिर है दूध कौन से में आता है, दूध लिखेंगे ना, दूध द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक मैम, द्रव्य द्रव कौन से की द्रव्यवाचक, ठीक है। इसके बाद में है चोरी क्या आएगा, हिमालय क्या आएगा, हिमालय, व्यक्तिवाचक, हरियाली व्यक्तिवाचक, हरियाली भाववाचक, भाववाचक चावल व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्य द्रव्यवाचक, द्रव्य द्रव्यवाचक, फिर नदी द्रव्यवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, किसी नदी का नाम होता तो व्यक्तिवाचक होता, ठीक है। इच्छा, इच्छा क्या होगा, भाववाचक, भाववाचक, बचपन भाववाचक, बचपन भी भाववाचक, ठीक है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको, अरे कमरा तो दुगने का लेकिन हमारी तो हमारा तो परिवार है, अगर बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। पांचवा देखिए सज्जन से क्या बनेगी भाववाचक संज्ञा, सज्जन से जनता, आइए सज्जनता, सज्जनता, हाँ ना भाई, हाँ अब वहाँ उसमें देखो एएलसीसी में इसमें, हाँ सब में ऐसे भरे हैं, जेएनयू में ये आवाज आ रही है, वो क्या बोल रहे हैं, निकला है कैसे यार, मैं दूसरी तीन बच्चों को अनम्यूट रखूंगी बस, ना मेरे को मतलब उसका ही तो मनीष से ले रहे हैं, पहले मैं देख रही हूँ आवाज किसके यहाँ से आ रही है, मैं अंकिता मीना के से,
हैंड्स अप करिए जिन जो गारंटी देता है कि मेरे बैकग्राउंड से आवाज नहीं आएगी। भवानी आपके बैकग्राउंड से तो काफी आवाज आती है के हर्षिता वैष्णवी अनम्यूट होते जाइए आप लोग। प्रियांशी लक्ष्य जैन बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए आप लोगों के यहाँ से। आदित्य ईशांत पवन अनम्यूट हो जाओ जिन जिनका नाम लिया मैंने। रौनक लक्ष्य खुशाल आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। मैम ये भी आ रही है ठीक है अभी देखिए आप टाइम नहीं हो जाएगा नहीं तो सज्जन से क्या होगा सज्जन था मधुरता मुझे पता है कौन नहीं है आगे देखिए उदार से उदारता नारी से नारित्व जीतना से जीत जीतना से जीत कवि से कवित्व शीघ्र शीघ्र से क्या होगा शीघ्रता। यस रौनक शीघ्र से बतायो जल्दी शीघ्रता शीघ्र से होगा शीघ्रता। सर्व से सर्व से सर्वस्व दौड़ना से क्या होगी दौड़। वेरी गुड रौनक। इसके बाद में है भाववाचक संज्ञा का प्रयोग आपको सही लगाना है जो सही ऑप्शन पे लगाना है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है एक वचन में होता है बहुवचन में होता है या दोनों में होता है किसी में नहीं होता भाववाचक संज्ञा का बताइए जल्दी। भाववाचक का एक वचन में होना चाहिए एक मिनट
इसमें मिसप्रिंट तो नहीं आ गया, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा का सदा प्रयोग वचन में होता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा का प्रयोग तो आप इसकी जगह भाववाचक की जगह व्यक्तिवाचक लिख लो, मिसप्रिंट हो जाता है कई बार, व्यक्तिवाचक लिख लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है, और एक वचन की लगा लो। कर लिया करेक्शन, भाववाचक की जगह आपको क्या लगाना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है एक वचन में, ठीक है। हिंदी भाषा में द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समुदायवाचक संज्ञा को किस भाषा के प्रभाव से स्वीकार किया है, अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी टिक करो। सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती है, सर्वनाम विशेषण और अव्यय से क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा, लगा लीजिए 4 नंबर। फिर अहंकार, भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, अहंकार, अहम से अहंकार बना है। कौन सी संज्ञा है, अहम, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम लगाइए यहाँ टिक। अब फिर से सुन लीजिए, पहले में आपको भाववाचक दिख रहा है, भाववाचक की जगह यहाँ लिखना है व्यक्तिवाचक, ठीक है। ऑप्शन है फर्स्ट, फिर है खे, है ऑप्शन नंबर फोर्थ, गैमे है ऑप्शन नंबर फोर्थ, और घमे है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर से करूं, पहले में आपको भाववाचक की जगह काट के व्यक्तिवाचक लिखनी है, फिर है ऑप्शन नंबर एक, दूसरे में है ऑप्शन नंबर फोर्थ, तीसरे में है फोर्थ, और चौथे में है फर्स्ट। ओके क्लास, अब एक आपके संधि वाला चैप्टर बचा है, वो मैं पहले आपका रीडर कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद आपको संधि करवाऊंगी, ठीक है। तो अब मुझे आपको संधि को छोड़ के आप आपके चैप्टर हो चुके हैं। मुस्कान ने पूछा था कि मैम जो चैप्टर हो चुके हैं वो बता दीजिए, तो पहले से लेके मैंने आपको चैप्टर करवा दिए 9 तक, ठीक है। 9 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए, संधि को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। 9 के 9 चैप्टर मुझे आपकी ग्रामर की कॉपी में चाहिए। इसके बाद में जो आज आपको करवाया है अनुच्छेद और पत्र, वो भी आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। अभी कॉपी में आप काम कंप्लीट करके सैटरडे तक इसको पहुंचा देना, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट क्लास अपने रीडर की क्लास होगी, जो एक बचा हुआ चैप्टर है वो अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, कबीर की साथियां। ओके क्लास, किसी को कोई दिक्कत है?